स्टेयरकेस की डिजाइन देखने को मिलेगी, जिसको सामने से 1.5 इंच की पट्टी लगाई हुई है और इसके अंदर स्टेयर के अंदर जो स्कर्टिंग लगाई हुई है उसका भी एक आइडिया ले सकते हैं और इस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से अगर फिटिंग करते हैं तो कैसा लुक रहता है और ये कलर का ग्रेनाइट लगाते हैं तो क्या लुक रहता है उसका। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो ये टेरिस का डोर है जो डबल पैता में लगाया हुआ है इसको पूरा कंप्लीट, इसके अंदर पूरा जो ग्रेनाइट देख रहे हैं ये पूरा टेलीफोन ब्लैक ग्रेनाइट लगाया हुआ है डबल पैता में, जिसको बाहर से और अंदर से दोनों साइड से इसको पूरा ग्रेनाइट कंप्लीट लगाया हुआ है। इसको डोर लगा सकते हैं अंदर बाहर से दोनों तरफ से, जो बाहर से सेफ्टी गेट रहता है वो लगा सकते हैं और अंदर से इसको जो सलमाई का या फिर प्लाई का जो डोर रहता है वो लगा सकते हैं इसको कंप्लीट। धार पॉलिश में पूरा फिटिंग किया हुआ है इसको और एक इसके बाजू में डोर और है सिंगल डोर, जो ये देख सकते हैं सिंगल डोर, इसको अंदर से चौखट लग जाएंगी, पूरी डोर लग जाएगा इसको अंदर से और अंदर की तरफ ही खुल जाएगा ये पूरा उधर दीवार की साइड से। ये सिंगल पट्टी में लिया हुआ है और वो देख सकते हैं उसको बीच में पट्टी ली हुई है, जिससे उसको दो साइड से पल्ला लग सकता है आसानी से और पूरा धार पोरिच करके फिटिंग किया हुआ है। ऐसे अगर दो डोर की अगर फिटिंग करवाते हैं, जैसे ये सिंगल पट्टी लगाई हुई है, तो ऐसे अगर डोर की फिटिंग करवाते हैं तो इसका लेबर कॉस्ट 2 से 2500 रुपये इसका लेबर कॉस्ट जाता है पूरा इसका कंप्लीट, जो धार पोलिश देख रहे हैं धार पोलिश और इसका फिटिंग करें नेट फिटिंग कटिंग ये इधर देख सकते हैं। और एक इसके अंदर कड़ापे की रेक देख सकते हैं, बाद में आपको स्टेयरकेस की डिजाइन बता देता हूँ। ये कड़ापे स्टोन की रेक जिसको पूरा सीलिंग टच तक बनाया हुआ है, फुल राउंड मोल्डिंग करके फिटिंग किया हुआ है इसको और ये कड़ापा स्टोन आसानी से आपको 35 रुपये स्क्वायर फुट से मिल जाता है और ये देख सकते हैं सीलिंग टच हाइट तक, इसको फर्नीचर में भी पैक कर सकते हैं बाद में फ्लोरिंग में। इसमें 2x2 डबल चार्ज टाइल्स लगी हुई है, जिसको 3 mm का गुरु देके ये फिटिंग किया हुआ है स्पेसर। एक इसके अंदर ग्रिल जो रेक देख रहे हैं ये उधर भी है एक रेक, वो पूरी जो रेक देख रहे हैं कड़ापा स्टोन में बनाई है और सीलिंग टच तक बनाई हुई है कम्प्लीट। अब भी देखते हैं इसका स्टेयरकेस का डिजाइन। ये ग्रेनाइट की चौखट और ये है स्टेयरकेस की डिजाइन, जिसको सामने से पट्टी लगाई हुई है 1.5 इंच की जो देखने को मिलेंगी सामने से भी। पहले देख सकते हैं ऊपर से कैसा लुक दिख रहा है इसका और सामने से कैसा लुक दिखेगा इसका वो भी देख सकते हैं। इसके अंदर लैंडिंग में भी देख सकते हैं कैसा फिटिंग किया हुआ है और ये इधर पूरी एक लैंडिंग है जिसके अंदर पूरी ग्रेनाइट लगा रखी है, इसको 3 इंच का स्कर्टिंग लगा रखा है पूरा कम्प्लीट, ये जो स्कर्टिंग है वो इसका अभी रेलिंग लगना बाकी है एक साइड से। ये ऐसे स्टेयर्स की अगर फिटिंग करते हैं तो आपको 800 से 900 रुपए लेबर कॉस्ट आएंगी कम से कम। अभी सामने से बता देते हैं, सामने से ये देख सकते हैं इसको 2 सूत की पट्टी गुरु दे की फिटिंग किया हुआ है, पास मार के 2 सूत पट्टी ली हुई है इसको सामने से। ये कंप्लीट इसको पट्टी ली हुई है, ऐसे ही सेम स्टेयर्स को ली हुई है कंप्लीट। ये कंप्लीट स्टेयर को ऐसे ही इसको 2 सूत की पास मार के पूरा चिपकाया हुआ है पट्टी को एरोडाइट से, ये तरीके से फिटिंग कर सकते हैं स्टेयर की। एल शेप में पूरा चिपकाया हुआ है ये पट्टी को, ये पूरा स्टेयर ये टाइप में लगाया हुआ है कंप्लीट। अभी रेलिंग लग लगे बाद में इसका और ज़्यादा लुक आ जाएगा, अभी थोड़ा सा गंदगी है इसीलिए क्लियर दिख रहा नहीं है। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।